टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर होने की उपलब्धि श्रीलंका के रंगना हेराथ के नाम दर्ज है। 41 साल के हेराथ रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में फिर से मैदान पर दिखेंगे। वो इस T20 सीरीज में श्रीलंकन लेजेंड्स टीम का हिस्सा होंगे, जिसमें चमिंडा वास, रोमेश कालुविधरना, मुथैया मुरलीधरन और तिलक रत्न दिलशान भी शामिल होंगे। टीम की जर्सी के लॉन्च के मौके पर गुरुवार को हेराथ ने धोनी के भविष्य को लेकर भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि वो भले ही पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप के बाद से नहीं खेले हैं, लेकिन उनमें वो क्षमता है जिसके बूते वो आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए भी भारतीय टीम में जगह बनाने के दावेदार हैं। अगर आगामी IPL के बाद धोनी कोई और इंटरनेशनल मैच भी नहीं खेले और वर्ल्ड कप में चुन लिए गए तो वो सहज होकर खेल लेंगे। खेल से रिटायरमेंट के बाद एक बैंक में जॉब कर रहे हेराथ ने कहा कि धोनी पर फैसला लेना सिलेक्टर्स के लिए बड़ी परीक्षा की तरह होगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आगामी IPL में धोनी के प्रदर्शन पर सिलेक्टर्स की पैनी नजर रहेगी। अगर धोनी वर्ल्ड कप में खेलते हैं तो ये भारत के लिए फायदे वाली स्थिति होगी। उनके पास लंबा अनुभव है और बेहतरीन खेल कौशल भी। हेराथ ने आगे कहा कि धोनी के पास इंटरनेशनल मैचों में खेलने का इतना अनुभव है कि वो वर्ल्ड कप के चैलेंज से आसानी से निपट लेंगे। यहाँ तक कि हेराथ ने माना कि खेल के छोटे फॉर्मेट यानी कि वनडे और T20 में लेग स्पिनर्स और वो भी रिस्ट यानी कि कलाई स्पिनर्स की अहमियत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि एक बात मैंने नोटिस की है कि वनडे और T20 फॉर्मेट में कप्तान विकेट कीपिंग ऑप्शन के तौर पर फिंगर स्पिनर्स की जगह रिस्ट स्पिनर्स को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। वजह यह है कि ऐसे स्पिनर्स कई बार खूब सारे रन तो उड़ा देते हैं लेकिन विकेट भी निकाल कर देते हैं। वहीं श्रीलंका के पूर्व ऑलराउंडर हरवीज महरूफ की नजर में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स मौजूदा दौर में तीनों फॉर्मेट के बेस्ट ऑलराउंडर हैं। महरूफ हार्दिक पांड्या को भी वर्ल्ड क्लास मानते हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में हिस्सा लेने के लिए भारत आए महरूफ ने कहा कि मैं निजी तौर पर हार्दिक को जानता हूं। मुझे पता है कि उनकी पिछले साल सर्जरी हुई है। अगर उसकी फॉर्म और फिटनेस बरकरार रही तो अगले T20 वर्ल्ड कप में वो दूसरों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने पिछले 6 महीने से मैदान से दूर पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को केंद्रीय अनुबंध से बाहर कर दिया है। क्रिकेट बोर्ड के द्वारा गुरुवार को घोषित कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से धोनी को बाहर रखा गया है। बता दें कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के सेमीफाइनल में हार के बाद से धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं। वो टेस्ट मैच से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।